नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्कूटी के टायरों के अंदर हवा कितनी होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर 20 और 25 यूनिट के बीच में आप लोग जो है हवा भर सकते हैं आगे वाले टायर के अंदर, और पीछे वाले की जो यूनिट है वो आप लोग 30 से 35 के बीच में भर सकते हैं। अगर आप लोग इसे ज़्यादा भरेंगे तो आप लोगों के टायर फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखिए जो ब्लैक बटन है आप लोगों के पास, ये हवा निकालने का काम करता है और जो स्टील का जो हैंडल है वो हवा भरने का काम करता है। तो ऐसे ही होता है, आप लोगों को दुकान पर भी आप लोग जो जिससे साइकिल पंचर में साइकिल में हवा भरते हैं, जस्ट उसके विपरीत एक हैंडल आता है जिससे हवा भरी जाती है, और मीटर भी होता है जिससे आप लोग मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हवा जो है वो स्कूटी के टायरों में होनी चाहिए। तो 20 से 25 आप लोग आगे वाले टायरों में रखें और 30 से 35 जो है वो पीछे वाले टायरों में रखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जल्दी मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा, हर बातों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। स्कूटी की बात है, मैंने मोटरसाइकिल या किसी फोर व्हीकल्स की बात नहीं की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।